1930 के दशक में अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में प्रतिउत्तर देने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस एवं उनके अन्य साथी युवाओं के हृदय का स्पंदन बन चुके थे। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दे दिया गया, तब समूचे भारत के युवा प्रतिशोध के लिए उद्यत हो उठे। इस हृदय विदारक घटना ने आक्रोश की ज्वाला में जलते हुए भारतीयों को किम कर्तव्य मूड की अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया। परंतु पश्चिम बंगाल की निवासी मात्र 16 वर्षीय सुनीति चौधरी एवं उनकी सहपाठी शांति घोष किसी और ही मिट्टी की बनी थी। अपने राष्ट्रनायकों की मृत्यु से आहत दोनों वीरांगनाओं ने जैसे को तैसा पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रतिघात के लिए अपने ही नगर कोमिला के अंग्रेज जिला अधिकारी स्टीवन का चयन किया। स्टीवन भारतीय महिलाओं के साथ आए दिन दुर्व्यवहार एवं दुष्कर्म के लिए कुख्यात था। 14 नवंबर 1931 में सुनीति चौधरी एवं शांति घोष विद्यालय गणवेश में तैराकी प्रतियोगिता आयोजन के स्वांग से स्टीवन के कार्यालय में प्रविष्ट हुई और उन्होंने स्टीवन को गोलियों से छलनी कर आत्मसमर्पण कर दिया।